हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग खाद्य और पोषण संबंधी समस्याएं या फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होती है यहाँ से। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 1996 में एक बैठक की और इस बैठक में ये निर्धारित किया गया कि जो फूड सिक्योरिटी है या खाद्य सुरक्षा है उसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए, इसमें यह कहा गया कि सभी लोगों को हर समय, यानी कि जितने भी लोग एक कंट्री में हैं उन्हें हर समय किसी भी टाइम पर्याप्त सुरक्षित और पोषक खाद्यान्न उपलब्ध हो। यानी कि एक तो पर्याप्त होना चाहिए, उनके लिए सफिशियंट होना चाहिए, दूसरा सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसका बाद में प्रभाव ये हो रहा है कि लोगों में बीमारियां जन्म ले रही हैं। साथ में पोषक होना चाहिए, यानी न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेट तो भर गया लेकिन वहाँ पर लोग कुपोषित हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं क्योंकि फूड में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पोषक भी होना चाहिए, जो कि उनकी खाद्य आवश्यकता है, यानी कि जो लोगों की खाद्य संबंधी आवश्यकता है, फूड संबंधी जो लोगों की नीड है उसको पूरा करें, और खाद्य वरीयता के अनुकूल हो। यानी कि कुछ लोग वेज हैं, कुछ लोग नॉन वेज हैं, तो इस चीज़ का भी ये फूड ध्यान रखता हो। ऐसा नहीं है कि किसी को मजबूरी में नॉन वेज खाना पड़ रहा है या किसी को मजबूरी में कुछ और खाना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो। यानी कि खाद्य वरीयता जो होती है, लोगों की जो फूड प्रेफरेंस होती है उसके भी अनुकूल हो और एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन दे। देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि जो हम लोग फूड लेते हैं उससे हमारी लाइफ एक्टिव रहे, हम लोग थोड़ा सा हेल्दी रहें। तो इसलिए ये परिभाषा दी गई कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पोषक खाद्यान्न उपलब्ध हो, जो उनकी खाद्य आवश्यकता और खाद्य वरीयता के अनुकूल हो और एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन दे सके। तो इसे कहेंगे हम फूड सिक्योरिटी की स्थिति। फिर देखिए, जो खाद्य सुरक्षा है इसके चार स्तंभ इसी बैठक में निर्धारित किए गए। पहली बात है खाद्य उपलब्धता, यानी किसी देश में खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो इंपोर्ट करके इस खाद्यान्न को मंगाए या अपने देश में प्रोडक्शन करे, लेकिन जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध होना चाहिए। फिर है खाद्यान्न तक पहुंच, यानी लोगों के पास इतना पैसा हो या फिर ऐसे एरियाज़ में लोग रह रहे हो जहां तक खाद्यान्न पहुंच सकता हो। यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचता है और कुछ एक जो बड़ा वर्ग है, जो गरीब वगैरह है, वहां तक खाद्यान्न नहीं पहुंच रहा है। फिर आता है देखिए खाद्य का उपयोग या फूड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो हमने फूड लिया है वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो, उपयोगी हो। इसी के साथ फिर आता है खाद्य स्थिरता, ये चौथा स्तंभ है खाद्य सुरक्षा का। तो इसके अंतर्गत देखिए ये कहा गया है कि जो आपको फूड मिल रहा है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। आप एक एग्जांपल देखिए, सपोज़ एक मजदूर है जिसको साल में 6 महीने काम मिल जाता है, जिसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और बाकी के 6 महीने वो साल में बेरोजगार रहता है। तो ऐसे में क्या होगा कि जिन 6 महीनों में उसको काम मिलता है उन 6 महीनों में तो उसे फूड अच्छे से अवेलेबल होगा और बाकी के जो 6 महीने हैं वो उसे भुखमरी में बिताने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पे फूड स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि उसे साल में कुछ ही दिन हैं जब फूड अवेलेबल है। तो फूड स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराया है उन्हें रेगुलर बेसिस पे खाद्यान्न मिलता रहे। अब देखिए, ये जो पूरी बात है इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये जो डायग्राम है आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो देखिए, ग्लोबल लेवल पे क्या होना चाहिए, वैश्विक स्तर पे। तो वैश्विक स्तर पे खाद्यान्न की उपलब्धता होना चाहिए, हर जगह फूड अवेलेबल होना चाहिए। फिर देखिए, आपके नेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए। तो नेशनल लेवल पे आपको खाद्यान्न की पूर्ति करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए या तो आप इम्पोर्ट करें, यानी कि आपके पास आपके यहाँ जो चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे भारत में दालों की कमी रहती है तो हम उन्हें आयात कर लेते हैं, तो उन चीज़ों को या तो आप आयात कर लें या फिर जो चीज़ें पॉसिबल हैं अपने देश में ही उनका उत्पादन करें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें तो हम खुद से ही उत्पादन करते हैं। देखिए, इसका परिणाम ये होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता हो जाएगी, यानी खाद्यान्न की कमी नहीं होगी। फिर देखिए, यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती है। अब जो परिवार हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये खाद्यान्न पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है, यानी कि देश में अगर खाद्यान्न है तो इससे बात ख़त्म नहीं होती है। तो जितने भी हाउस होल्ड हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको ये सारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए, फिर वो चाहे हम PDS जैसे हमारे यहाँ चलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उस तरह से उपलब्ध कराएँ या किसी अन्य तरीके से। इसके साथ ही देखिए, जो परिवार हैं अलग अलग उनके पास इतनी इनकम भी होना चाहिए कि जो खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है उसे वो खरीद पाएँ। यानी कि ऐसा ना हो कि खाद्यान्न तो दुकानों पे उपलब्ध है लेकिन वो उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो इससे जो है हमें फूड सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही जो केयर है, हेल्थ की चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी ये इनकम खर्च हो पाएगी और जो हमारा फूड सिक्योरिटी का लक्ष्य है वो भी पूरा होगा। तो इस तरह से जो नेशनल लेवल है वहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सकेगी। अब देखिए, बात करते हैं पोषण सुरक्षा या न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की।
तो एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से पोषित है, अब हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं, तो एक व्यक्ति पर्याप्त रूप से पोषित है यदि उसको आवश्यक पोषण युक्त भोजन उपलब्ध हो। पहली बात तो है न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि चाहे वो पहाड़ों पर रहता हो या कहीं भी रहता हो, उसको न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए। लिया गया भोजन इस तरह प्रयुक्त हुआ है कि पर्याप्त वृद्धि हो सके, यानी कि ऐसा नहीं है बच्चा है तो उसकी लंबाई रुक गई या उसका वजन बहुत कम है, तो पर्याप्त वृद्धि यह देने वाला भोजन होना चाहिए। फिर बीमारियों को रोक सके, यानी कि जो अलग अलग डिजीज़ होती हैं जो कुपोषण वगैरह की वजह से हो जाती हैं, तो उनको रोकने में ये भोजन सक्षम हो। पुनः स्वस्थ होने, यानी कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको फिर से रिकवर होने में हेल्प करे। दुग्धपान कराने, यानी कि अगर कोई माँ है तो वो अपने बच्चे को दुग्धपान करा सके, दूध पिला सके, ऐसा भोजन उसे मिले। तथा भौतिक कार्य में योगदान दे, यानी कि जो दिन प्रतिदिन के हम लोगों के फिजिकल वर्क होते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई अन्य काम करता है, तो उसमें भी ये फूड हमें एनर्जी प्रदान करे कि हम लोग अपने दिन प्रतिदिन के काम कर सकें। तो इस अवस्था को पोषण सुरक्षा माना जाएगा, या ये माना जाएगा कि अगर ऐसी अवस्था है तो उस देश के जो व्यक्ति हैं या उस क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य या एजेंडा 2030 की। तो इसके अंतर्गत जो लक्ष्य नंबर 2 है उसमें ये कहा गया कि वर्ष 2030 तक भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करने का लक्ष्य लिया जाता है, यानी कि 2030 तक जो भूखमरी की समस्या है, जो हंगर की प्रॉब्लम है और जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, इसको समाप्त किया जाएगा। तो इसके साथ ही कृषि को सतत बनाया जाएगा, यानी कृषि ऐसी हो जो फ्यूचर के लिए भी हमारे लाभदायक हो, ऐसा ना हो कि जितना भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अभी इस्तेमाल कर लें। कृषि उत्पादकता को दोगुना करना, तो इसी लक्ष्य नंबर 2 के अंतर्गत ये भी माना गया कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसको भी डबल किया जाए, और छोटे कृषकों की आय में वृद्धि करना, यानी जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी इनकम में वृद्धि की जाए। इससे भी देखिए क्या होगा, जब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनकी इनकम में वृद्धि होगी तो ये अच्छा भोजन ले पाएंगे, तो इससे जो कुपोषण की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, उससे लड़ने में मदद मिलेगी। तो विश्व में देखिए प्रत्येक 9 में से एक व्यक्ति कुपोषित है, यानी कि समझ सकते हैं आप कि कुपोषण का स्तर कितना ज़्यादा है, कि हर 9 में से एक व्यक्ति कुपोषित है। विकासशील देशों में 43% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, जबकि महिलाओं के पास मात्र 20% भूमि है। तो अब देखिए ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि कुपोषण की समस्या क्यों है। अब कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन गलत तरीके से हुआ है, यानी कि जो बड़ी संख्या में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे वो अपनी इनकम को बढ़ा सकें, और इस चक्कर में उन्हें भूखा रहना पड़ता है और तभी वो कुपोषित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बताया, देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया कि 2017 की जो हंगर इंडेक्स है वो इस बात को भी उठाती है कि जो लोग पावरफुल हैं, जिनके पास अधिकार हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अधिकतर इस समस्या से प्रभावित नहीं है, जबकि जैसे महिलाएं हुई या फिर ऐसे लोग हुए जैसे कि कुछ देशों में ब्लैक पीपल हुए, हमारे यहाँ जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, तो ऐसे लोग कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित हैं, यानी कि जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इस चीज़ को हंगर इंडेक्स ने भी बताया है, तो इसीलिए ये चीज़ डिस्कस की कि शायद UPSC एक क्वेश्चन के रूप में आपको इसको दे दे। फिर देखिए सांस्कृतिक अवरोध, जैसे कि अब महिलाओं के ऊपर पुरुषों को वरीयता दी जाती है, जो घर की महिलाएं होती हैं वो बाद में खाना खाती हैं, तो ऐसे में कई बार होता है खाना जो बचा होता है वो कम पड़ जाता है, या फिर जो फूड बचा होता है वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है, तो इस चक्कर में भी कई बार महिलाओं को समस्या का सामना करना होता है। इसी तरह से जो गर्ल चाइल्ड होता है, जो बच्ची होती है, उसको उतना ज़्यादा पोषक आहार नहीं दिया जाता है जितना कि लड़के को दिया जाता है, इस चक्कर में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कुपोषण की, भुखमरी की। तो कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक अवरोध हैं वो भी इस चीज़ में हमें जो है कंट्रीब्यूट करते दिखते हैं। देखिए ये जो 2017 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट से लिया हुआ एक मैप है, तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम की क्या स्थिति है या फूड सिक्योरिटी की क्या स्थिति है। तो इसको देखिए समझने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि सपोज़ एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि वर्ल्ड में जो हंगर है या जो माल न्यूट्रिशन है इसकी प्रॉब्लम पे प्रकाश डालिए कि अलग अलग देशों में क्या स्थिति है, तो आप बड़े आसानी से फिर एनालाइज कर सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है, जिन देशों ने हाल के वर्षों में अपना तेज़ी से विकास किया है वहाँ पे भी स्थिति अच्छी है, कुछ देश हैं जो विकासशील हैं और इस चक्कर में अभी उनका इतना ज़्यादा स्थिति सुधर नहीं पाई है, तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अलग अलग देशों की रैंक याद रखिए, अब आपके माइंड में देखिए मैप बन सकता है, जैसे कि रशिया हुआ हमारा, चाइना हुआ, इन्होंने अपनी स्थिति में तेज़ी से सुधार किया है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है लो लेवल की है हंगर की, वहीं पे जो हमारा भारत है यहाँ पे सीरियस लेवल की प्रॉब्लम है,
एशिया के जो अन्य कंट्री हैं जैसे बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है थोड़ी सीरियस टाइप की है। वहीं पे अफ्रीका के देखिए कई सारे देश हैं जहाँ पे सीरियस टाइप की प्रॉब्लम है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे सिचुएशन अलार्मिंग हो चुकी है या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो चुकी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। तो इन देशों में अधिकतर देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि ये देखिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तो यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा इस तरह की इनस्टेबिलिटी है, वार टाइप की सिचुएशन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो चुकी है। वहीं पे देखिए जो हमारे लैटिन अमेरिका के देश हैं उन्होंने अपने में काफ़ी सुधार किया है, अधिकतर में लो लेवल का हंगर की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप एक तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स में जो हंगर की प्रॉब्लम है उसके क्या कारण हैं। उसका रीज़न है कि हमारा डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो पाया जितनी तेज़ी से चाइना वगैरह का हुआ। वहीं पे देखिए चाइना का डेवलपमेंट जितनी तेज़ी से हुआ है, जितनी तेज़ी से इसकी इकोनॉमी ग्रो की है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो हंगर की प्रॉब्लम है उस पर बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। अभी हमारी जो भारत की इकोनॉमी है वो अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो आगे ज़्यादा उम्मीदें हैं। प्लस हमारे यहाँ का देखिए जो PDS वगैरह है जो कि सेकेंड पेपर का इशू हो जाता है, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेना चाहिए कि उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है। इसके साथ ही देखिए एक केस स्टडी है जिसको आपको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ लेना चाहिए विकिपीडिया वगैरह पर, कि ब्राज़ील, यानी कि ब्राज़ील ने अपने यहाँ जो हंगर प्रॉब्लम है उसको समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान विश्व में कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से ये फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए 2017 की जो हंगर इंडेक्स थी उसका टाइटल था इनइक्वलिटीज ऑफ हंगर, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं एक ही देश में, एक ही प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये हंगर की प्रॉब्लम से, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम से नहीं गुजरना होता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गंभीर रूप से इन समस्याओं से प्रभावित होते हैं। तो इस चीज़ पे को खास मेंशन किया गया था। इसके साथ ही देखिए जैसे हमारा दक्षिण सूडान है, यमन है, सोमालिया है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि लगातार इस समय वार जैसी सिचुएशन है, लड़ाई चलती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो हंगर की प्रॉब्लम है बहुत ही गंभीर है। इसी तरह से जैसे नाइजीरिया है, तो वहाँ पे बोको हरम वाली जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे आतंकवादी जो गठन समूह है वहाँ का, तो उस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं हंगर की प्रॉब्लम से गुजरते हैं, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, वो सारा का सारा तहस नहस हो जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में अभी बताया था, लीबिया है, सीरिया है, लंबे समय से वार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसी तरह से देखिए जो पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ पे अलिनो की प्रॉब्लम से यहाँ पे सूखा पड़ गया था। इसी तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सभी समस्याओं की वजह से यहाँ पे जो हंगर की प्रॉब्लम है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अब देखिए महंगी होंगी चीज़ें तो जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, वो तो खरीद नहीं पाएगा। उसी तरह से अगर बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है फिर वो जो फूड होता है उसको खरीद नहीं पाएंगे। इसी तरह से देखिए केन्या में जो है आर्थिक वृद्धि और सरकार के प्रयासों के कारण स्थिति में सुधार हुआ है, और यही चीज़ चीन में भी है, यानी कि कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अपनी स्थिति में तेज़ी से सुधार किया है, तो वहाँ पे आर्थिक वृद्धि और सरकार के प्रयास खासा मैटर करते हैं। देखिए जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, हंगर की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता का परिणाम भी होती हैं, यानी कि जो समाज में व्याप्त असमानता है जो यहाँ पे हमने बात की, तो उसका भी ये परिणाम होती है। अब जैसे कि खाद्य प्रणाली सरकार की नीतियों पर निर्भर होती है, यानी कि किस तरह की आपके यहाँ गवर्नमेंट है। अब अगर देखिए बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके ऊपर मीडिया का प्रेशर होता है, अखबारों का प्रेशर होता है, और भी जो समूह होते हैं उनका प्रेशर होता है कि वो सही सही नीतियां बनाए, लोगों को खाद्यान्न वगैरह अवेलेबल कराए। इसके साथ ही सरकार को भी वोट चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे जो इस तरह की नीतियाँ ज़्यादा अच्छे से चलती हैं। वहीं पर जहाँ पे डिक्टेटर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें, वो ये नीतियाँ इतनी अच्छे से नहीं चल पाती हैं। इसी तरह से विभिन्न देशी एवं विदेशी शक्तियाँ सरकार के निर्णय को प्रभावित करती हैं, यानी कि जो अलग अलग देशों में सरकार होती हैं उनके निर्णय बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, लॉबीज़ हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चों को दिया जाने वाला दूध होता है, तो कई माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो इसके लिए बच्चों को दूध का सब्सिट्यूट दिया जाता है, यानी कि जो दूध की जो कमी है उसको पूरा कर सके। तो अब देखिए अगर हमारी सरकारें इस चीज़ को अवेलेबल कराने लगे तो लोगों का बहुत कुछ पैसा बच जाएगा। लेकिन कई सारे देशों में ऐसा देखने में आया है कि जो ये लॉबीज़ होती हैं, यानी कि इस तरह की जो कंपनियाँ हैं जो इस तरह के दूध वगैरह के प्रोडक्ट बनाती हैं बच्चों के लिए, तो वो सरकारों पर ये दबाव डालती हैं कि आप इस तरह का कोई भी सब्सिट्यूट प्रोवाइड मत कीजिए, अदरवाइज़ हमारा बिज़नेस चौपट हो जाएगा।
जैसे देखिए कि अगर भारत की बात करें तो भारत के ऊपर लगातार WTO का प्रेशर रहता है सब्सिडी वगैरह को लेके, तो इस तरह से अलग अलग शक्तियां भी जो हैं इस तरह के निर्णयों को प्रभावित करती हैं सरकार के, जिसके अंतर्गत वो लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहती हैं। फिर देखिए बड़ी कंपनियाँ विज्ञापनों आदि के माध्यम से भी लोगों की खाद्य पसंद को प्रभावित करती हैं, यानी कि अब जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गई तो वो क्या करती हैं, आपको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर आपको जो फूड मिलता है उसकी वजह से वो उतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता है और उससे आपको प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यानी कि आप उस फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड को आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसा फूड ले रहे हैं जो कि आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।